जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप। स्वागत है ऑप्शन गैदर के नए वीडियो पे। जेएसडब्ल्यू पे डिमांड आ रही थी तो जेएसडब्ल्यू पे वीडियो रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील जो है मतलब बोलती बंद कर दे रहा है सबका, ठीक है। बहुत रैली आ रही है, बहुत रैली आ रही है जेएसडब्ल्यू स्टील पे। तो क्या करना है, सबसे पहले सेक्टर का आउटलुक बुलिश हैवी बुलिश है। मेटल सेक्टर, केमिकल सेक्टर डिमांड जोन पे अभी, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री भी, ठीक है। तो ये तीन सेक्टर अभी हैवी चल रहा है। इसमें मेटल सेक्टर तो बहुत ही ज्यादा बुलिश है, तो जेएसडब्ल्यू भी रैली कर रहा है। और ऐसे भी अच्छी कंपनी है जेएसडब्ल्यू, तो भागता बहुत तेज है ना। तो मैं इसका वन डे चार्ट देख रहा था, तो इतना बड़ा रैली चल रहा है इसका, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं थोड़ा सा 1 वीक चार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फिबोनाची लगाने में दिक्कत हो रहा था। तो ये यहाँ से जो ये रिट्रेसमेंट आया था, ये अपर हाई ये लोअर हाई दोनों को मार्क कर दिया, तो ये जेएसडब्ल्यू का फिबोनाची लेवल्स डायग्राम बन गया। अब देखो स्टॉक इस तरह से भाग रहा है, तो ये यहाँ पे एक बार थोड़ा सा करेक्शन नहीं बोलेंगे उसको, वो भी देख रहे हो ना। मतलब ये 1 वीक के कैंडल, 1 वीक के कैंडल देख के आपको क्या लगता है, मेरे से ओपिनियन लेने की जरूरत है कि स्टॉक में क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता है। हाँ, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कॉन्फिडेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादा नहीं सोचना है, ये स्टॉक अगर नीचे आया 601 पे तो आपको डेफिनेटली बाय करना है, करेक्ट अगर होके आता है तो। ये एक 1.61 का लेवल है अपसाइड में, ठीक है। दूसरा, ये टारगेट कहाँ तक के लिए, अभी तत्काल जो ये यहाँ जहाँ पे जा रहा है वो है 888, यानी आप सेफर साइड में 880 का लेवल मान के चलो, ठीक है, या 890 का लेवल, एग्जैक्ट में बोलूँ तो 888 का लेवल है, वहां तक ये जा रहा है ऊपर। कोई इसमें मतलब ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, देख रहे हैं ना कैंडल बड़ी हो रही है। एक होता है ना कि थोड़ी बड़ी कैंडल बनी, थोड़ी छोटी कैंडल बन गई, यहाँ ठीक है ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं इसको। ये छोटी कैंडल बनी, इतना ऊपर इतना तेज होने के बाद इतना ऊपर में थोड़ा सा छोटा कैंडल बना और उससे बड़ा कैंडल बन गया। वॉल्यूम देख रहे हैं, मतलब यहाँ के कंपेयर में यहाँ ज्यादा वॉल्यूम है। अगर आप इसको ज्यादा वॉल्यूम बोलते हो तो इसको आप क्या बोलोगे? अब कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मार्केट में हैवी सेल ऑफ आएगा तो कुछ भी हो सकता है, बट जो चल रहा है ऊपर उसको नीचे ले जाने का कोशिश मत करो। जेएसडब्ल्यू ऊपर जा रहा है तो ऊपर यही और आपको देखना है, कोशिश करना है जब भी स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट हो एंट्री ले सकते हो, और अगर है तो गुरु आप तो फिर महान हो। स्टॉप लॉस आपका इमिडिएट जो है स्टॉप लॉस 593 पे रहेगा, 590 पे आप मान के चलो। सेकेंड, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोच रहा है तो उसको 425 पे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अब ये लॉन्ग टर्म वाले यही होंगे जो यहाँ पे लिए होंगे इसके बीच में, और ये जो बीच में इधर घुसे हैं वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे। पहला आपका टारगेट आएगा 888 का, उसके ऊपर स्टॉक जाएगा तो जाएगा 1170 तक जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो यार फिबोनाची भी खत्म हो जाता है फिर, ये यहाँ तक 1355। बट आपको पास्ट में इसका, अगर मैं आपको कहीं भी अगर डाउट हो कि जो मैं बोल रहा हूँ ये पॉसिबल थोड़ो ना है, सही में पॉसिबल नहीं है, बट आप एक बार इसका ये वाला चार्ट देख लो, 1 मंथ वाला। ये 1 मंथ का चार्ट है, 2600 स्टॉक को मैंने लिया है, ये इसका ऑल टाइम हाई के अपना ये ऊपर निकल गया है। और आप मंथली में देखो, आप वीकली छोड़ो, मंथली चार्ट देखो इसका, ये कैंडल आपको क्या बता रहा है? 1 मंथ का कैंडल जो है 53% का रिटर्न दे रहा है, उससे पिछले वाला कैंडल जो 18% का रिटर्न दिया था। तो आपको देखना है, ये यहाँ पे आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस रखो और स्टॉक को ट्रेल करो। 420 पे स्टॉप लॉस रखो, यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट अगर मिले तो लो 598 पे, इसके ऊपर जाए तो फिर ये तो आपका टारगेट है ही है। बीच में घुसोगे तो थोड़ा सा फंसोगे, लेकिन देखो रिस्क रिवॉर्ड तो उतना ही है, यहाँ बीच पे है, ऊपर जितना है उतना नीचे है। नीचे आएगा तो एवरेज कर लेना, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना, लेकिन प्रॉफिट बुक मत करना यार, स्टॉक बहुत हैवी रैली है और स्टील सेक्टर में बहुत डिमांड हैवी प्रोडक्शन चल रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं स्टील के, सप्लायर्स कम हो गए, डिमांड ज़्यादा आ गया, लॉकडाउन खुलेगा तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भाग जाएगा। तो ये है जेएसडब्ल्यू आपके लिए अल्टीमेट में है, तो इसमें अगर रहूंगा तो मेरे तो टारगेट ऐसा, हरा कैंडल देखने के बाद तो मेरा सीधे सीधे टारगेट कम से कम सेफर जोन में 1176 आ ही जाएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और कोई जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, आई हैव ऑल राइट्स टू बी रॉन्ग, वो पी आर सुंदर बोलते हैं ना। तो ऑप्शन गेनर यानी जयदीप के बात पे मत चले जाना। और हाँ, इसका भी मैं जो है ना चार्ट कैप्चर करके आपको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा,
मिल जाएगा आपको ऑप्शन गेनर के नाम से, सब नया हो। मेरा यूट्यूब चैनल भी नया है, मेरा इंस्टाग्राम वाला ये भी नया है, तो ना तो ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो थोड़ा सब्सक्राइबर लेके आइए, वीडियो को लाइक वाइक कीजिए, और इधर जो है ऑप्शन गेनर को फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पे आपको वो चार्ट वगैरह जो है मैं अपलोड करके रख दूंगा, आप उसको देख लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और भी लोगों के साथ शेयर करना, भूल मत जाना मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में।